है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ वो तो आगे एक ही बात है, वेरी गुड। वो आजकल फारसी नहीं है, पढ़े लिखो को अंग्रेजी क्या, आजकल ये है इसका दूसरा स्वरूप। तो टीचर बनना है आपको। आप देखिए मैम इधर आइएगा, आप आइए, हाँ दोनों आ जाओ, एक और भी आ जाओ, आ जाइए मैम, आइए आइए मैम, इतनी तैयारी के साथ कमाल है। अच्छा शूटिंग हो रही है ना इसलिए, ओहो मैं समझ नहीं पाया था, हटा दूं? कोई बात नहीं, थोड़ा दूर रह के हटाइएगा। मैम इसको टीचर बनना है, क्या करें? जल्दी से बोलना फटाफट, इतना नहीं सोचना था उन्हें। हाँ जल्दी, इसको टीचर बनना क्या करें? टेंथ करने, नहीं इतना लंबा नहीं, टेंथ करके बाद ट्वेल्थ करें, ट्वेल्थ के बाद डाइट करें, डाइट के बाद टीचर बन जाएंगे। चलिए आप आइए मैम, आप ये पूछ रही है आपसे, मैम मुझे टीचर बनना है क्या करें? नहीं बातें नहीं, सीधा रास्ता बताओ, पंक्चुअल तो है वो, तभी तो पूछ रही है। टेंथ करें बाद ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद बी एड करें और फिर टीचर बन जाइए प्लीज। अब आपसे पूछते हैं, देखिए मैम इसको टीचर बनना क्या करें? टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अरे नहीं नहीं अगर मगर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन और बी एड करके फिर आप टीचर बन जाएंगे, बताओ कौन से रास्ते से जाओगी? ये तीन लोग आए, इन्होंने इनसे आपने एड्रेस पूछा और तीनों ने क्या रास्ता बताया आपको? अलग बताया, अलग सेम बताया, कहाँ जाओगी? तो ये लोग गलत हैं या क्या गड़बड़ है बताइए, क्या गड़बड़ है? लक्ष्य का एड्रेस जो है ना वो प्रॉपर नहीं था, इसीलिए लोग आपको भटका देंगे। ये लोग गलत नहीं बता रहे, उन्होंने जो सोचा, आप शायद ये पूछ रहे होगे, तो उन्होंने अंदाजा लगा के बता दिया। अगर आप स्पेसिफिकली पूछते उनको तो वो स्पेसिफिक हर एक का जवाब फिर एक ही आता, या तो कहता मुझे नहीं पता, या आता ये रास्ता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये गड़बड़ है। अब आप समझ गए, इसी से पुलिस बोला आपने तो ये भी गड़बड़ है। पुलिस माने सुल्तानपुरी जाना है, मैंने अब कहाँ जाओगी, किसके घर में जाओगी, पहुँच जाओगी? सुल्तानपुरी जाना है मुझे, ऐसे पूछ रहे हो आप, तो नहीं पहुँच पाएगी ज़िंदगी। तो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, टारगेट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और वही तरीका है, अगर वाटिका का नाम गड़बड़ हुआ ना और एड्रेस गड़बड़ हुआ तो मेन्यू कुछ नहीं मिलने वाला, वो सब खत्म हो जाएगा, भटक भटक के जब जाओगे जब सारे स्टॉल खत्म हो गए होंगे। ऐसी ज़िंदगी का भी स्थिति है, ठीक है? तो कौन से क्लास को पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कुछ बताओगी? SST पढ़ाना है, तो अप टू 10 तक का है। अब आइए जरा, तीनों लोग आइए प्लीज आइए, अब पूछो जरा इनसे, बोलो मैम मुझे, उसको बोलते हैं TGT सोशल साइंस, बोलो आप जरा पूछो इनसे, साइंस बनना है तो क्या करें? अब बताओ मैम, बी ए में क्या करना है? हिंदी? हाँ बताओ ना मैडम, गलत है ना? नहीं आप बताओ तो सही, वो थोड़ी आपको थोड़ी पता किससे पूछा उसने पहले, आप कैसे? अच्छे नंबर से फिर ट्वेल्थ कर लिया, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कर लिया जिसमें आपको बी ए करनी है, और बी ए में सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए SST का, ठीक है? जैसे कि आपके पास हिस्ट्री है ना, वो जरूर होनी चाहिए तीनों साल, अगर नहीं होगी तब भी आप आगे बी एड नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद बी एड करने के बाद फिर आप टीचर बन जाएंगे, हाँ फिर तो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, सीटेट तो होगा, आ जाएगा, हो जाएगा। ग्रेजुएशन बी ए, उसके सब्जेक्ट सिविक्स ज्योग्राफी जो SST के सब्जेक्ट होते हैं वो, उसके बाद बी एड के बाद जब टीचर लगना तो सीटेट क्लियर करता है, बस खत्म। अब तीनों ने भटकाया आपको, एक ही जवाब दिया सबने, एक ही जवाब दिया ना, तो ये जादू कैसे हो गया? ये जादू कैसे हो? पहले तीनों ये वही लोग हैं ये जो पहले ऐसा कह रहे थे, क्योंकि मुझे टारगेट पता था कि मेरे को SST बनना है और आपने सही एड्रेस पूछा था इसलिए ऐसे हुआ है, ठीक है? तो बेटा ये भी क्लियर हो गया इस एक्टिविटी से भी कि टारगेट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ओके? ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी हम कर रहे हैं।